Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to study about Karl Marx, who was a German philosopher. Karl Heinrich Marx, he was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist and socialist revolutionary. He was born in Germany and he studied law and philosophy at the university. Today we are going to study about Karl Marx and his theory, which is known as the Marxist theory. Like the other classical economist, Karl Marx also believed in the labor theory of value to explain the relative differences in the market prices. We are also going to study the main ideas of Karl Marx's theory and what was the popular theory, historical materialism. What was he arguing through this theory? We are going to study that as well. ठीक है, पॉइंट क्लियर. ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स जो थे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म आल्सो. इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म भी माना जाता है. क्यों माना जाता है ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, इनकी कैपिटलिज्म की थ्योरी क्या थी वो भी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले. ऑल्सो द क्लास पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन आर टेलीग्राम चैनल, दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजिली क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा. शुरू करते हैं आज की क्लास. सो कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न इन ट्रायर, विच इज अ सिटी इन मॉडर्न जर्मनी. इट वॉज देन पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ प्रूशिया एंड ही वॉज बॉर्न टू अ वेरी रिच लॉयर हुज नेम इज हेनरिच मार्क्स एंड हिज वाइफ वॉज हेनरिएट प्रेसबर्ग. तो इनके माता पिता थे हेनरिच मार्क्स, हेनरिएट प्रेसबर्ग. उनके घर इनका जन्म हुआ. ही वॉज बॉर्न ऑन 1818 में, 5 मई को इनका जन्म होता है. ऑन 14 मार्च 1883 कार्ल मार्क्स, द जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पोलिटिकल थियोरिस्ट, फाउंडर ऑफ पोलिटिको इकोनॉमिक थ्योरी विच वॉज नोन एज मार्क्सिज्म, ही डाइड इन लंडन एजेड 64. यू हैव टू रिमेंबर दिस स्मॉल पॉइंट ओवर हियर. आपको ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है दैट मार्क्सिज्म वॉज द पोलिटिको इकोनॉमिक थ्योरी, ओके, गिवन बाय कार्ल मार्क्स, हु वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पोलिटिकल थियोरिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो. तो इनकी मृत्यु होती है 1883 में, जन्म होता है 1818 में, 64 की एज में इनकी डेथ हो जाती है. शुरू करते हैं इनके आइडियाज के बारे में. उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट दैट अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई 2021-22 and 23 एस्पिरेंट्स एंड दीज बैचेस हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 जून. 2 जून से बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 एग्जामिनेशन, देन वी हैव लॉन्च्ड फिनिक्स रिविजन बैच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द रिविजन एंड टेस्ट सीरीज. इट्स अ वेरी स्पेशली डिजाइंड बैच एंड वेर इन द कोर्स इज डिजाइंड एज सच की फर्स्ट 2 मंथ्स विल बी फोकसिंग ऑन मेन्स, देन द नेक्स्ट 2 मंथ्स विल बी फोकसिंग ऑन प्रिलिम्स एंड देन फुल फ्लेज्ड मेन्स का रिविजन होगा. प्रिलिम्स एंड मेन्स की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी. लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव 3 सेपरेट बैचेस फॉर फिनिक्स रिवीजन, बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी. सो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज प्रेफरेंस यू कैन सेलेक्ट एनी वन बैच फॉर योर रिवीजन. फॉर 2022 एस्पिरेंट्स ऑल्सो वी हैव 1 ईयर बैच कोर्स अगेन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. फॉर 2023 एस्पिरेंट्स ऑल्सो वी हैव 3 डिफरेंट बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जून. We have separate NCERT batches also. If you are a working professional who is left with very little time after the job for preparing NCERTs, then here is a batch for all of you. अगर आप working professional को time नहीं मिल पाता है NCERT पढ़ने का, तो आपके लिए NCERT batches भी हमने start किए हैं. ठीक है, तो you can use code Arpita10 to get 10% discount on your plus subscription. आप ये code use कर सकते हो Arpita10, ताकि आपको easily ना आपके subscription पर 10% off मिल जाए. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो. यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द लिंक एंड क्लिक ऑन इट एंड सब्सक्राइब टुडे. डू नॉट मिस सब्सक्रिप्शन बिकॉज देखो 2 जून से बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैचेस, 2 डेज अभी आपके गए हैं, तो अभी भी टाइम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, लेट्स बिगिन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स, हिज जर्नल आइडियाज अबाउट सोसाइटी आर नोन एज हिज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके जो जनरल आइडियाज हुआ करते थे ना सोसाइटी को, समाज को लेकर, सोसाइटी मीन्स समाज इन हिंदी, राइट, सोसाइटी को लेकर जर्नल जो आइडियाज थे उनको इन्होंने क्लब टुगेदर किया था थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में. अब मटीरियलिज्म क्या बना, इनके सोशियोलॉजिकल थॉट का बेसिस बना. देखो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर अ थिंकर और अ फिलोसोफर और एनी फिलोसोफर और थिंकर और सोशियोलॉजिस्ट, राइट, और इकोनॉमिस्ट, he or she always has a base.
ऑन द बेस द आइडियाज आर फॉर्म्ड, एक बेस लेकर चलते हैं, एक परसेप्शन लेकर चलता है हर थॉटफुल पर्सन, हर एक फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट, उस यू नो पैरामीटर के बेसिस पे हम अपने आइडियाज को डेवलप करते हैं. सो मटीरियलिज्म, अंडरलाइन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटीरियलिज्म इज द बेसिस ऑफ हिज सोशियोलॉजिकल थॉट, बिकॉज फॉर मार्क्स मटीरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी जो है वो मटीरियलिस्ट है, ऑब्वियसली सोसाइटी इज मटीरियलिस्ट. आपका स्टेटस, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी डिग्री, आप कितना कमाते हो, आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, ये सारी मटीरियल पोसेशंस जो होते हैं उसी के बेसिस पे सोसाइटी बनती है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज मटीरियल पोसेशंस, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू वियर, और हाउ मच फ्लैट्स यू हैव, हाउ मच कार्स यू हैव, ऑल ऑफ दीज आर द बेसिस ऑफ जजिंग इन द सोसाइटी, राइट. सो मार्क्स थॉट, मार्क्स यूज्ड टू से दैट मटीरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स दे अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी. मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? मीन्स मटीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. इट इज हाउ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. Marx's theory of historical materialism is the materialistic interpretation of the history of societies. अभी तक society की जो भी history आपने पढ़ी है उसकी materialistic interpretation है theory of historical materialism. मतलब आज तक अगर history में अगर हम देखें societies को, तो वो किस basis पे, किस materialistic basis पे वो तैयार हुई है या affect हुई है, उसको हम बोलते हैं theory of historical materialism. All the societies have experienced same pattern. हर सोसाइटी में आप देखोगे मटीरियलिस्टिक पोसेशंस का सेम पैटर्न रहता है. सो हिज थ्योरी इज दैट मटीरियल कंडीशंस एसेंशियली कंप्राइज टेक्नोलॉजिकल मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड ह्यूमन सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आप देखो, उससे पहले अगर आप व्हील का इन्वेंशन देखते हो, राइट, उसके बाद अब आप टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन देख रहे हो. ऑल ऑफ दीज आर यू नो टेक्नोलॉजिकल मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच सोसाइटीज आर चेंज्ड, अफेक्टेड और फॉर्म्ड. सो मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, इट इज हिस्टोरिकल. ठीक है, ये बात याद रखना. हिस्टोरिकल मतलब मार्क्स ने पास्ट से स्टार्ट किया सोसाइटी को समझना, सोसाइटी को पढ़ना. Now, आगे बढ़ते हैं. It is historical because Marx has traced the evolution of human societies from one stage to another. That is why it is called materialistic. Why? Because the evolution of societies has been studied by Karl Marx on the terms of material base. इसे materialistic word क्यों दिया गया? Materialistic word इसलिए दिया गया क्योंकि हम materials को देखकर ही तो judge कर रहे हैं ना society को, Karl Marx. तो मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? दैट इट इज मैटर और मटीरियल रियलिटी, जो आपकी मटीरियल रियलिटी है, आपका स्टेटस, आपके घर, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपकी डिग्री, आपका पैसा. मटीरियल रियलिटी इज द बेसिस फॉर एनी चेंज. मटीरियल्स आर बेसिस ऑफ एनी चेंज. आज आप गरीब हो, कल आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, गाड़ी बंगला जाता है, अमीर हो गए, सोसाइटी एकदम अमीर हो गई, सबके पास गाड़ी बंगला है, सबके पास पैसे हैं, किसी के पास कोई पैसे नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, सोसाइटी गरीब हो गई, राइट. तो ये मटीरियल रियलिटी को हम पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स की नजरों से, इसलिए इसे मटीरियलिस्टिक कहा गया है. अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिच एंजल्स, द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल मार्क्स ओनली. ओके, फ्रेडरिक एंगल्स जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, उनका कहना यह है कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की जो थ्योरी है वो किसी ने नहीं, कार्ल मार्क्स ने डिस्कवर की थी. बट मार्क्स थॉट इट वॉज एंगल्स. मार्क्स का कहना है कि नहीं, मैंने नहीं की है ये, तो एंगल्स की हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं. ही हैज कंसीव्ड मटीरियलिस्ट फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री इंडिपेंडेंटली. हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने ही इस थ्योरी को डेवलप किया है. वी विल से दैट बोथ हैव बीन अ गाइडिंग थ्रेड फॉर दीज थ्योरीज. पॉइंट क्लियर हुआ? Right, I guess now you have understood the basic theory of historical materialism. Basic समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं. So Marx has tried to suggest that all society passes through unilinear evolution, single thread evolution. हर सोसाइटी में सिंगल यूनिलीनियर एवोल्यूशन होता है. एवरी सोसाइटी प्रोग्रेस स्टेज बाय स्टेज, सेम स्टेज है, कोई ऊपर नीचे नहीं है. एवरी सोसाइटी हैज मार्च्ड अहेड. सो ही हैज सजेस्टेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, दैट इज फर्स्ट वी हैड प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन वी हैड स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म. This is how the society has evolved through the time. Now let us understand the meaning of each one of these stages.
What is primitive communism? Primitive communism is a way of describing the gift economies of hunters and gatherers. जैसे हमारे ये न्यूलिथिक पीरियड था ना, हंटर्स और गैदरर्स की जो सोसाइटी थी, केव में रहते थे, ठीक है, गुफा में रहा करते थे, हंट करके खाते थे, हंटर एंड गैदरर्स कम्युनिटी, दैट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म. देन वी हैड स्लेवरी, उसके बाद स्लेवरी आता है. देन फ्यूडलिज्म, व्हेन द लैंड ओनरशिप इंक्रीज, जिसके बाद ज्यादा जमीन वो बन गया राजा, ठीक है. देन वी हैड कैपिटलिज्म. Capitalism means it's an economic and political system in which countries' trade and industry are controlled by private owners. यहाँ पर trade किसी भी country का कौन संभालेगा? Private owners संभालेंगे for profit rather than by the state, right? State के बजाय private owners यहाँ पर ज़्यादा आप बोल सकते हो dominate करेंगे. Then socialism where the society will dominate, जब अब लोगों का यहाँ पर होगा राज. And then we have कम्युनिज्म. अब द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज व्हाट इज कम्युनिज्म. इट इज अ थ्योरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज राइट इट डाउन. थ्योरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड रिसीव्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स. ओके, दैट इज कम्युनिज्म. की पूरी प्रॉपर्टी कम्युनिटी की है और हर कोई बंदा कम्युनिटी का अपने क्षमता के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको वापस रेवेन्यू मिलेगा. वो कम्युनिज्म हो जाता है. सो हिस्टोरियंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन द मैनर इट इज फाउंड. सी, वी हैड प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन स्लेवरी, मतलब इन द मैनर दैट हिस्ट्री वॉज फाउंड, वी हैव स्टडीड इन दैट मैनर. हमने अंदर से कोई इंटरप्रिटेशन या फिर अलग कुछ एड या डिडक्ट नहीं किया है. बट मार्क्स हैड अ विजन फॉर फ्यूचर. हाउ इज हिस्ट्री टेकिंग मैन थ्रू टाइम, ही यूज टू स्टडी दैट. वो हिस्ट्री को नहीं पढ़ते थे, हिस्ट्री से इंसान में हर स्टेज में क्या बदलाव आ रहा है, द चेंजेस दैट द पीपल आर गोइंग थ्रू इन एवरी स्टेज, मार्क्स यूज टू स्टडी दैट. ईच स्टेज सो द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन. उनका कहना यह भी था, हर स्टेज डिस्ट्रक्ट होता है और हर स्टेज जब डिस्ट्रक्ट होता है, इंसान अपने डिस्ट्रक्शन के बीच खुद ही बो देता है उसमें. फॉर एग्जाम्पल, वेन स्लेवरी केम, पीपल हु यूज टू मेक अदर पीपल देयर स्लेव्स, दे वर द वंस हु वर सोइंग द सीड्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेज. वन विल गो, अदर विल कम. सच प्रिसीशन एंड सक्सेशन विल कॉन्टिन्यू टिल द अल्टीमेट, दैट इज टिल द टाइम वेन कम्युनिज्म इज रीच्ड. ओके, आप देखोगे पहले एक इंसान रूल कर रहा है, फिर एक कम्युनिटी रूल कर रही है, बाद में जाकर पूरी जो आप देख सकते हो सब लोगों को इंक्लूड किया गया, कम्युनिटी के हाथों में चीज डाल दी गई. ओके, पॉइंट क्लियर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्क्सिस्ट व्यूज ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर, बिकॉज ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो, ही वॉज अ थिंकर ऑल्सो. सो ही हैड व्यूज ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर एज वेल. ही यूज टू से दैट सोसाइटी इट इज एन इंटर रिलेटेड होल, एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है, कोई अलग इंडिविजुअल नहीं है, वी आर इंटर रिलेटेड एज अ होल. सेकेंड, हिज व्यूज वर चेंजेबल नेचर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटीज नेचर इज चेंजेबल, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स, अकॉर्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर्स, इट चेंजेस. सोसाइटी बदलती ही रहती है, सोसाइटी सेम रहती ही नहीं. आप देखोगे 18th सेंचुरी में इंडिया फ्रांस कैसा था, अब कैसा हो गया है, सोसाइटी चेंजेस, राइट. देन थर्ड हिज व्यू वॉज ह्यूमन नेचर एंड सोशल रिलेशनशिप, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ हिज व्यूज. मार्क्स व्यूज ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटर रिलेटेड होल. मार्क्स का कहना यह था ह्यूमन सोसाइटी इंटर रिलेटेड है, सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, बिलीव्स, डॉक्ट्रिन्स, दे आर ऑल इंटीग्रली रिलेटेड. सो ही हैज स्टडीड देयर इंटर रिलेशंस rather than treating them separately. उन्होंने ना साथ साथ पढ़ा है ह्यूमन सोसाइटी के इंटर रिलेशन को, अलग अलग नहीं पढ़ा. सेकेंड व्यूज वर मार्क्स व्यूज सोसाइटी एज इनहेरेंटली म्यूटेबल, दैट इज सोसाइटी चेंजेस. सोसाइटी बदलती रहती है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, मतभेद होते हैं, सोसाइटी चेंजेस. देयर इज अ लार्ज डिग्री ऑफ चेंज इन अ सोसाइटी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमंस, राइट. एंड द थर्ड सेट ऑफ व्यूज वर देयर इज वन अदर basic assumption behind historical materialism without which the theory cannot be held together, and this is the concept of man. According to Marx, there is no permanent resistance of human persistence of human nature. Human nature is neither evil nor good. It is original potential. देखो, potentiality के ऊपर depend करता है. Marx का कहना ये था, आदमी ना तो evil है, ना तो राक्षस है, और ना ही भगवान है, ना ही बहुत अच्छा है.
आदमी अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करता है, जिसमें जितनी पोटेंशियल वो वैसा काम करेगा, ठीक है। किसी के अंदर डिस्ट्रक्शन की पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ काम करेगा, किसी में पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है तो वो कुछ अच्छा करेगा सोसाइटी के लिए, अपने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ अच्छा करेगा, जैसे नेल्सन मंडेला जी हो गए, राइट, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए। एवरी पर्सन वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल क्या करने की है, आप किस तरफ इंक्लाइन होते हो ज्यादा, वही काम करोगे। दिस वॉज द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट इंसान ना तो खराब है ना ही अच्छा है, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक्ट करता है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? दीज वर द थ्री व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स। आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। आई एंजॉयड दिस क्लास। सी, व्हेन वी लर्न अबाउट द ideas, the thought process of these historians, these sociologists, these thinkers, it gives us a new approach towards looking at life. लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है जब हम इन थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है, हम क्या करते हैं, अपने नैरो माइंडेडनेस में इतने भूल खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं दुनिया को देखने के बहुत तरीके हैं, राइट। तो दुनिया को एक्सप्लोर करो इनके तरीकों से, इनके व्यू पॉइंट से, एंड एंजॉय लाइफ एज इट इज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।